जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। राजस्थान के संदर्भ में हम जानेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम सोल्व कर रहे हैं। सब ने पढ़ लिया होगा यह टॉपिक? पढ़ लिया है तो साथ साथ में देखे आंसर बताते जाना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति। राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। तो सभी मित्र वीडियो को लाइक कर देना। आज कमेंट में आपके बहुत कम देखूंगा। आप जो किसने आपका आंसर क्या आ रहा है कमेंट में लिख करके बताना, क्या आपका आंसर ए रहा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप देख करके चले जाइए। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाला है। और एक आपको इससे पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न, किस टॉपिक में कैसे प्रश्न आते हैं, तो ये भी आपको पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है कि 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन था। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल, शॉर्ट में कहते हैं इसको एजीजी। एजीजी कौन था? एजीजी कौन था ये हमारे को बताना है। तो बात करेंगे हम 1832 में एक राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की। आप आंसर कमेंट कर दीजिए, देखिए ऑप्शन देख करके। जॉर्ज लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस और इल्तुतमिस थॉमस प्रिचार्ड और चार्ल्स मेटकॉप। चार्ल्स मेटकॉप है क्या आंसर है देखिए आपके। तो 1832 में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की जाती है। रेजिडेंसी जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है, तो सर इसका मुख्यालय अजमेर बनाया जाता है। इसका मुख्यालय अजमेर को बनाया गया। और 1845 में इसका मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, माउंट आबू में स्थानांतरित कर दिया गया। ओके जी। इस राजपुताना रेजिडेंसी का जो प्रमुख होता था, इसका जो हेड होता था, उसको कहा जाता था एजीजी। उसको एजीजी कहा जाता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजस्थान का प्रथम जो एजीजी है, फर्स्ट जो एजीजी है, वो फर्स्ट एजीजी कौन था, तो वो था मिस्टर लॉकेट। राजस्थान का पहला एजीजी कौन है, तो सर मिस्टर लॉकेट था। और 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था, तो हम बताएंगे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये क्रांति के समय एजीजी था। दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कहाँ की जाती है और इसका मुख्यालय कहाँ है, माउंट आबू कब स्थानांतरित किया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जॉर्ज लॉरेंस। आई होप आपने सबने सही बताया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत सामंत ने शरण दी थी। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस समय भीमजी चारण को किस रावत या सामंत ने शरण दी थी। ऑप्शन है केसरी सिंह, जोध सिंह, रणजीत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ देखिए क्या आंसर होगा इसमें। तो जोधजी चारण है, ये गंगापुर के अधिकारी, जो अंग्रेज अधिकारी थे, गंगापुर के अंग्रेज अधिकारियों को
अंग्रेज अधिकारियों को लूट करके आए थे। इनको शरण दी थी जोध सिंह ने। जोध सिंह ने कोठारिया के जो सामंत थे, रावत थे जोध सिंह, इन्होंने शरण दी थी भीमजी चारण को। तो यह भी आपका आंसर सही आया होगा। चलो अगला प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या रहता है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा के महाराव की सहायता के लिए राजस्थान के किस अन्य शासक ने सेना भेजी थी। ऑप्शन में दे रखा है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर करौली। बताओ दे क्या आंसर, क्या आंसर बता रहे। देखे ए बी है, बी बी आ रहा है, सी बी आ रहा है, डी बी आ रहा है। देखो कोटा में विद्रोह, 1857 क्रांति में कोटा में विद्रोह शुरू होता है। यहाँ विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो सर 15 अक्टूबर 1857 को यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत होती है। और कोटा के समय शासक कौन थे, कोटा के शासक थे राम सिंह द्वितीय, ये कोटा के शासक थे। नेतृत्व किसने किया यहाँ पर, तो नेतृत्व हुआ था जयदयाल और मेहराब खां। जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत होती है। और क्रांतिकारियों ने राम सिंह को बंदी बना लिया गया, राम सिंह जी को बंदी बना करके इनको नज़रबंद कर लिया जाता है। और अंग्रेज अधिकारी बर्टन की यहाँ पर, कोटा का पीए कौन था, बर्टन की हत्या करके इनके शव को कोटा शहर में घुमाया जाता है, शव को कोटा शहर में घुमाया गया। ठीक है, तब राम सिंह की सहायता के लिए कौन सहायता मतलब सेना लेकर के आया था, तो करौली का मदन पाल सेना लेकर के आया था राम सिंह जी की सहायता के लिए। ठीक है, आई होप अब सबके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो चौथा क्वेश्चन है, कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था जिनकी 1857 के विद्रोह में उनकी हत्या की गई है। ठीक, ऑप्शन में है मेजर प्रिचार्ड, मेजर बर्टन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एंड एजेंट मोरिसन। बताओ देखिए क्या आंसर रहता है आपका। क्या सोच रहे हैं, बर्टन बता रहे हो सब। बर्टन। देखो हमारे को तीन चार जो पॉलिटिकल एजेंट है उनका नाम ध्यान में रखना, रियासत और पीए पॉलिटिकल एजेंट। सर कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, बर्टन था। क्रांति के समय यहाँ का पीए कौन था, बर्टन है। उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो उदयपुर का था सावर्स उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। जयपुर का कौन था, तो जयपुर का पीए था ईडन, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेकमोशन है, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट होगा। और अपने भरतपुर का मोरिसन। और सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, जेडी होल। ओके जी, तो कोटा में कौन से पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई है,
तो हम बताएंगे मेजर बर्टन। चलो सबका आंसर आ गया था, बहुत बहुत बधाई आपको। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या कहता है, लाला जयदयाल और मेहराब खां, लाला जयदयाल और मेहराब खां ने कहां 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया है। आज मैं आपके कमेंट, आपका नाम नहीं लूंगा, मैं देखूंगा, देखे बिना नाम लिए कौन कौन कमेंट कर रहा है। ओके, और सारे प्रश्नों को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर रखा ही होगा पहले, अपने दोस्तों को भी बताओ, उनसे भी आप सब्सक्राइब करवाओ और ये प्रश्न उनको बताओ कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, RSVA टीचर या पुलिस, पटवार, वीडियो, LDC, BSTC, ASI, SI वगैरह जितनी भी वैकेंसीज है जिसमें राजस्थान GK का पार्ट है, उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। तो अभी हमने बात की सर, लाला जयदयाल और मेहराब खां ये कहाँ के, कहाँ नेतृत्व किया था, कोटा में। और ध्यान रखना, कोटा में यहाँ पर छावनी नहीं थी, छावनी नहीं होते हुए भी कोटा का जो विद्रोह है, कोटा का विद्रोह, कोटा के विद्रोह को सुनियोजित व सुनियंत्रित संघर्ष माना जाता है, सुनियंत्रित संघर्ष माना जाता है, सुनियोजित व सुनियंत्रित संघर्ष माना जाता है। ओके, तो कहाँ का विद्रोह एक सुनियोजित और सुनियंत्रित संघर्ष माना जाता है, तो कोटा, क्योंकि बाकी जगह पर क्या होता था कि शासक की हेल्प करते थे, तो अंग्रेज अधिकारी मतलब शासक को पकड़ते थे तो अंग्रेज अधिकारी थे, और अंग्रेज अधिकारियों को पकड़ते थे तो वहां के शासक उनकी हेल्प के लिए आ जाते थे। तो यहाँ पर पहले कोटा के जो शासक थे, कोटा के शासक राम सिंह जी को कैद कर लिया, राम सिंह को कैद कर लिया जाता है, और बाद में कोटा का जो PA था, पॉलिटिकल एजेंट बर्टन की यहाँ पर हत्या की जाती है। आई होप समझ में अच्छा आ गया होगा। ओके, आ गया हो तो थंब भेज दीजिए। बढ़ते हैं अब अपन अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। हाँ, इधर इधर वाला लेने दो, उधर उधर लगा दो। हाँ भाई, इसको ले लो आप। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है। ऑप्शन में दे रखा है एरिनपुरा, खेरवाड़ा, नीमच और नसीराबाद। क्या आंसर यहाँ पर रहेगा, तो हम बताएंगे कि यहाँ पर जो विद्रोह की शुरुआत हुई वो नसीराबाद छावनी से सर क्रांति की शुरुआत हो रही है राजस्थान में। और कब हुई थी, तो हम बताएंगे यहाँ सर 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में विद्रोह की शुरुआत होती है। नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व किसने किया बख्तावर सिंह के नेतृत्व में नेतृत्व किया बख्तावर सिंह। और कौन सी सैनिक टुकड़ी ने यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत की, तो बताएंगे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी ने यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत की थी। तो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा नसीराबाद होगा। सभी ने अच्छा आंसर दिया है, वेरी गुड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है कि 8 सितंबर 1857 को भीथोड़ा स्थान पर ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था। बताओ देखिए, 8 सितंबर 1857 को भीथोड़ा नामक स्थान पर
मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था। किसने परास्त किया था? कि तात्या टोपे ने, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने, मेहराब खान और जयदयाल ने, और अंग्रेजी सेना ने। बथौर के भीथौड़ा के युद्ध में मारवाड़ी सेना को किसने पराजित किया? तो एक युद्ध हुआ था भीथौड़ा का युद्ध। भीथौड़ा का युद्ध ये कब हो रहा है? भीथौड़ा का युद्ध ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को भीथौड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ थे एरिनपुरा के क्रांतिकारी, एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारी, एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारी, और एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारी और इनके साथ में जो भरपूर सहयोग दिया आउवा के ठाकुर, कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत वर्सेज दूसरी तरफ कौन थे? तो दूसरी तरफ हमारे थे सर, एक तो तख्त सिंह, मारवाड़ी सेना, कौन थे उस समय मारवाड़ के शासक? तख्त सिंह, की सेना थी, और इनके साथ में हितकोट, भी अंग्रेज अधिकारी हितकोट था, जिसमें क्रांतिकारियों और कुशाल सिंह चंपावत की सेना ने मारवाड़ी सेना और अंग्रेजी सेना दोनों को संयुक्त रूप से पराजित किया था। तो राजकीय सेना को किसने पराजित किया था? आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न पर। आपका क्या आंसर रहा था? सबने बी बताया है, वेरी गुड। चलिए अगला आठवां प्रश्न है। कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? झालावाड़, जयपुर, बूंदी और करौली। ये क्वेश्चन अपना पहले भी आ गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करौली, करौली का मदनपाल। और ये बिना कही सेना भेज रहा है राम सिंह की सहायता के लिए, अंग्रेजों की सहायता के लिए। तो फिर इनके जो है अंग्रेजों ने फिर बाद में जब सबको सम्मानित किया गया तो मदनपाल जी के तोपों की संख्या बढ़ा दी गई है। मदनपाल जी, करौली के मदनपाल की तोपों की संख्या, बढ़ा दी गई, तो करौली में तो तोपों की संख्या बढ़ा दी गई, जबकि कोटा का, जो शासक था राम सिंह, द्वितीय राम सिंह जी के तोपों की संख्या घटा दी गई। तोपों की संख्या सर घटा दी गई है। तो किसकी घटाई थी? राम सिंह द्वितीय की, घटा दी गई। और किसकी बढ़ा दी गई है? तो मदन पाल की तोपों की संख्या बढ़ा दी गई है, क्योंकि यह बिना कुछ कहे सेना लेकर के आ जाता है। चले अगले प्रश्न पर। इसको भी बंद कर देना। अगला क्वेश्चन, चलिए पहले नवा देख लेते हैं फिर दसवा। नवा क्वेश्चन क्या है? 1857 का विद्रोह राजस्थान में किस स्थान से प्रारंभ हुआ? देवली, एरिनपुरा, नसीराबाद या फिर नीमच? बताओ। देखिए बहुत इजी प्रश्न है, सबको आना चाहिए ये तो। जल्दी से कमेंट करो। देखिए 1857 का विद्रोह राजस्थान में किस स्थान से प्रारंभ होता है? तो हम बताएंगे सर, नसीराबाद से शुरू हुआ था। और कब हुआ था सर? 28 मई 1857 को क्रांति की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, दसवां प्रश्न हमारा क्या था? 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किनके बीच में हुआ था? बडलू का युद्ध किनके बीच में होता है? पहला ऑप्शन है मारवाड़ एवं आउवा के ठाकुरों के बीच में, मारवाड़ एवं आलियावास के बीच में, मारवाड़ एवं आसोप के ठाकुरों के बीच में, मारवाड़ एवं कोठारिया के
के ठाकुर के बीच में। तो ध्यान रखेंगे जो बड़लू का युद्ध हुआ है वो हुआ है मारवाड़ एवं अशोक के सामंत के बीच में। अशोक के सामंत थे शिव सिंह और मारवाड़ी सेना के बीच में ये युद्ध हुआ था, बड़लू का युद्ध। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है ना, अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? राम सिंह, विनय सिंह, मदन पाल या उदय सिंह? राम सिंह जी एक तो जयपुर में थे, जयपुर में भी राम सिंह द्वितीय थे, सवाई राम सिंह द्वितीय, और कोटा में भी महाराव राम सिंह थे। तो जयपुर और कोटा में राम सिंह जी थे। विनय सिंह बोलो या बन्ने सिंह ये अलवर के थे, अलवर। और मदन पाल करौली का होगा, करौली का कौन था शासक? मदन पाल था। और उदय सिंह जी हो जाएंगे हमारे डूंगरपुर के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तो उदय सिंह जी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, 12वां क्वेश्चन हम देखते हैं। बारहवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशी रियासत एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट कब के समय, 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय का कौन सा युग में असंगत है, असंगत वाला आपसे पूछा है। एक तरफ आपको देशी रियासत दी जा रही है और दूसरी तरफ आपको पॉलिटिकल एजेंट दिया जा रहा है, पीए दिया जा रहा है। आपको तो सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा पॉलिटिकल एजेंट यहां पर सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, भरतपुर का कैप्टन जेडी होल, जयपुर का कर्नल इडन, और मेवाड़ का सीएल सावर्स, और मारवाड़ का है मेक मोशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? ए यहां पर करेक्ट है। भरतपुर का जेडी होल नहीं था, जेडी होल तो सर किसका था? ये सिरोही का था। ये कहां का था? सिरोही का। और भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन था। मोरिसन भरतपुर का होना चाहिए। जयपुर का इडन बिल्कुल करेक्ट है, मेवाड़ का सावर्स ठीक है, मारवाड़ का मेक मोशन करेक्ट है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न भी आपको सबको आ गया होगा, यस सर। 13वां प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? सरदार सिंह, रतन सिंह, गंगा सिंह या फिर डूंगर सिंह? 1857 की जो क्रांति हो रही है उस समय, 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का कौन सा शासक है जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, सहायता इतनी की थी कि सेना लेकर के, इन्होंने अपनी सेना लेकर के राजपुताना से बाहर गया था, सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता के लिए, अंग्रेजों की सहायता के लिए राजपुताना से बाहर गए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? महाराजा सरदार सिंह। ठीक है, कौन थे शासक बीकानेर के? महाराजा सरदार सिंह, जो अपनी सेना लेकर के अंग्रेजों की सहायता के लिए राजपुताना से बाहर गए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहता है? 14वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने
किस जगह पर विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? नसीराबाद, कोटा, एरिनपुरा और आउवा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आउवा। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों को साथ में लेकर के जोधपुर के तख्त सिंह और वह अंग्रेजी सेनाओं को भी पराजित किया था। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का नाम आज भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। चले पंद्रवा प्रश्न पर चलते हैं। पंद्रवा प्रश्न है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? 1857 की क्रांति में अंग्रेजी सेना और जोधपुरी सेना को संयुक्त रूप में, दोनों को संयुक्त रूप में किसने पराजित किया था? अभी बताया था आपको कि एक भीथोड़ा का युद्ध हुआ था। भीथोड़ा का युद्ध कब हो रहा है? 8 सितंबर 1857 को हुआ सर, जिसमें कुशाल सिंह जी और क्रांतिकारी मिल करके, कुशाल सिंह और क्रांतिकारी मिल करके अंग्रेजी सेना और जोधपुरी सेना को पराजित किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, काउंट कर लेना सर। अगला प्रश्न है, 16 किशन क्या कह रहा है? 16 किशन है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बताओ देखिए क्या आंसर रहेगा आपका। सारे पॉलिटिकल एजेंट आना चाहिए, याद होगा आपको। मेजर बर्टन, मोक मेसन, विलियम इडन और मेजर मोरिसन। कहाँ का पूछा था? जयपुर का। तो जयपुर का कौन हो जाएगा? इडन। बर्टन कहाँ का था? बर्टन था सर कोटा का। मेक मोसन ये जोधपुर का है, ये जोधपुर का। विलियम इडन, इडन ये जयपुर का हो जाएगा और मोरिसन हो जाएगा भरतपुर का, भरतपुर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 17वां प्रश्न है, क्या कह रहा है 17वां प्रश्न? चलो जी, 17वां प्रश्न जो कह रहा है, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किस मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक, नजर और भेंट की गई थी? कौन सा शासक था जिन्होंने, मुगल बादशाह कौन थे क्रांति के समय? मुगल बादशाह, मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय बोलिए, बहादुर शाह जफर बोलिए। इन्होंने बादशाह को निष्ठा का प्रतीक और नजर भेंट की गई थी। चलो अगले में माउस को, तो इसका आंसर हो जाएगा सामोद के रावल शिव सिंह। सामोद के रावल शिव सिंह इसका करेक्ट आंसर होता है। चलिए 18वें प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? 1857 का विद्रोह हो रहा है, उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो आपको दो याद रखना है, एक तो राजस्थान के राजपूताना के प्रथम एजीजी कौन थे, तो प्रथम एजीजी थे मिस्टर लोकेट, मिस्टर लोकेट था। और क्रांति के समय एजीजी कौन थे? 1857 की क्रांति के समय एजीजी थे अपने जॉर्ज पैट्रिक, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सबके आंसर यही आ रहा था, बहुत बहुत बधाई है कि आपने इसका आंसर अच्छा पढ़ करके दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 19वां प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न क्या पूछता है देखे,
निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं है? ऐसी कौन सी छावनी जो राजस्थान में नहीं है? ऑप्शन है नसीराबाद, देवली, टोंक और एरिनपुरा। इनमें से कौन सी छावनी नहीं है, छावनी राजस्थान में राजपुताना में नहीं थे? तो 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में राजपुताना में सर 6 छावनियां थी। कितनी छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। 6 सैनिक छावनियां थी सर। 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी? तो सर एक है नसीराबाद और एक है नीमच। नीमच वर्तमान में एमपी में है, बट ये उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट के कंट्रोल में थी, उदयपुर के पीए के कंट्रोल में थी, इसलिए ये हमारा राजस्थान के साथ पढ़ा जाएगा इसको। और एक एरिनपुरा थी, एरिनपुरा पाली, एरिनपुरा में थी। एक ब्यावर थी, ब्यावर, और एक खेरवाड़ा उदयपुर, और एक है देवली टोंक। देवली कहाँ पड़ती है? टोंक में। तो इसमें कौन सी छावनी नहीं थी? नसीराबाद है, देवली है, एरिनपुरा है, टोंक छावनी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये होता था हमारा 19वां क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? महाराजा भगवान सिंह, महाराजा मदनपाल, महाराजा जसवंत सिंह और महाराजा गोपाल सिंह। क्रांति के समय करौली का जो शासक होगा वो होगा महाराजा मदनपाल। मदनपाल क्रांति के समय शासक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय राजपुताना एजेंट गवर्नर जनरल कौन था? तो क्रांति के समय कौन हो जाएगा? पैट्रिक लॉरेंस। लॉरेंस हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया था पहले, तो इसमें अपन ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किस सैनिकों के द्वारा किया गया है? पहला ऑप्शन आ रहा है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, दूसरा है गोरखा राइफल्स, तीसरा है कमायू रेजिमेंट एंड लास्ट ऑप्शन आपका है राजपुताना राइफल्स। पटवारी में, पटवारी 2021 वाली थी इसका, उसमें ये पूछा गया था। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिकों के द्वारा नसीराबाद छावनी में विद्रोह की शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 23वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग में असंगत है? आपको एक तरफ रियासत दिए जा रही है और दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट दिए जा रहे हैं। अब इसमें कौन सा आपका असंगत है? असंगत वाले को चुनना है। उदयपुर का सीएल सावर्स, जयपुर का ईडन, बीकानेर का जेडी हॉल और जोधपुर का मेक मोशन। क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए? सर बीकानेर का जेडी हॉल मुझे गलत लग रहा है। जेडी हॉल ये कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? ये सर सिरोही के थे, सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 24वां प्रश्न क्या कहता है कि 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक, 1857 क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो डूंगरपुर का शासक, इससे पहले भी ये प्रश्न आया था तो उसमें हमने क्या माना था? उदय सिंह द्वितीय माना था। तो यहाँ पर भी आंसर क्या होगा? उदय सिंह द्वितीय आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट 25वां प्रश्न को देखते हैं। 25वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? यह भी प्रश्न आ गया था।
तो इसका आंसर क्या होगा, ठाकुर कुशाल सिंह ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता अपनी सेना भेजी, सहायता है तो अपनी सेना भेजी थी। 1857 की क्रांति के विद्रोह के दौरान करौली का शासक कौन था, करौली का शासक था मदन पाल। और मदन पाल ने किसकी सहायता के लिए सेना भेजी थी, तो सर कोटा के शासक के। और कोटा का शासक कौन था, यहाँ का शासक था सर राम सिंह द्वितीय, राम सिंह जी द्वितीय ये कोटा के शासक थे, इनकी सहायता के लिए सेना भेजी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयदयाल और मेहराब खान ने 1857 के विप्लव का नेतृत्व कहाँ किया था। ऑप्शन दिया जा रहा है, नसीराबाद, ब्यावर, टोंक और कोटा। जयदयाल और मेहराब खान ने 1857 के विप्लव का नेतृत्व कहाँ किया था, तो हम बताएंगे सर कोटा में किया था। कोटा यहाँ पर आंसर आएगा, कोटा में इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, 28वां प्रश्न देखते हैं। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना, मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब किया गया, 1822 में। ब्यावर क्षेत्र में यहाँ पर मेर जाति रहती थी, उस मेर जाति पर कंट्रोल करने के लिए मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया गया 1822 में। और इसका मुख्यालय कहाँ रहता है, सर ब्यावर में इसका मुख्यालय रहता है। यस, फिर बाद में धीरे धीरे छावनियों की स्थापना की, पहले बटालियन की सैनिक टुकड़ियों की स्थापना की, बाद में छावनी बनाने लगे। निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी, धौलपुर, बीकानेर, कोटा और टोंक। धौलपुर का शासक था भगवंत दास, उसने तो की थी, बीकानेर का सरदार सिंह और टोंक का वजीरुद्दौला। धौलपुर का शासक कौन था, धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। इन्होंने क्रांतिकारियों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया था। बीकानेर का शासक कौन था, महाराजा सरदार सिंह ने तो अपनी सेना लेकर के स्वयं राजपुताना से बाहर जाते हैं अंग्रेजों की सहायता के लिए। कोटा का शासक कौन था, राम सिंह द्वितीय था, इसको तो पहले ही सहायता करता, उससे पहले इसका किडनैप कर लिया जाता है। और टोंक का था वजीरुद्दौला। तो किसने सहायता नहीं की थी, कोटा के शासक, क्योंकि ये सहायता करता उससे पहले ही इसको बंदी बना लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां प्रश्न है, राजस्थान में कहां मेहराब खान ने 1857 का नेतृत्व किया था, तो मेहराब खान हो जाएगा कोटा, कोटा में नेतृत्व किया था। 31वां प्रश्न है, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ था, तो हम बताएंगे नसीराबाद। कब हुआ था, 28 मई 1857 को होता है। यस, अगला प्रश्न है 32वां, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखा था, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 ये किसने लिखा था, तो ये किताब है राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। ऑप्शन में दे रखा नाथुराम खडगावत और आईटी प्रिचार्ड, सीएल सोबर्स और एमएस जैन। तो क्या आंसर होगा इसका, नाथुराम खडगावत। चलिए 33वां प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था, कहाँ का पूछ रहा है,
उदयपुर का पीए कौन था? ब्रिटिश रेजिडेंट बर्टन, मेजर लॉरेंस, कैप्टन विलियमसन और कैप्टन सावर्स। तो उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन हो जाएगा? सावर्स था उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट। 34वें प्रश्न पर चलते हैं। 34वां प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिसे 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया गया था। ऑप्शन है कुशल सिंह, अमरचंद बाठिया, यज्ञ नारायण व्यास और नरसिंह दास। ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जिसको 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले फांसी दी गई है? ऐसे प्रथम राजस्थानी जिनको क्रांति के दौरान फांसी दी गई थी। तो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया का संबंध बीकानेर रियासत से था और इन्होंने अपनी सारी संपत्ति क्रांतिकारियों को भेंट कर दी थी। संपत्ति इन्होंने क्रांतिकारियों को भेंट कर दी थी। जब अंग्रेजों को पता चलता है, एक तो इन्होंने भेंट की थी, तो इनको 1857 की क्रांति का, 57 की क्रांति का बामासा कहा जाता है, क्रांति का बामासा कहते हैं। और जब इनको अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी गई है और ये राजस्थान का क्रांति में प्रथम शहीद माना जाता है। राजस्थान का क्रांति में प्रथम शहीद माना जाता है, इसीलिए इनको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे। तो राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो हम बताएंगे, सर अमरचंद बाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा? तो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी, एक तो आपको फर्स्ट एजीजी याद रखना है, प्रथम एजीजी कौन है? तो मिस्टर लोकेट। और क्रांति के समय एजीजी कौन था? तो पैट्रिक लॉरेंस था, लॉरेंस क्रांति के समय। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चले प्रश्न अगला आता है, 36वां प्रश्न है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन है नसीराबाद, जैसलमेर, नीमच या फिर जोधपुर। तो छावनी बोर्ड की स्थापना की गई है नसीराबाद। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 37वां प्रश्न पर चलते हैं। 37वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे? ऑप्शन है महाराजा मानसिंह, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा सरदार सिंह और महाराजा भक्त सिंह। कौन थे 1857 की क्रांति के समय जोधपुर और मारवाड़ का शासक? तो हम बताएंगे महाराजा तख्त सिंह ये मारवाड़ के शासक थे। बढ़ते हैं 38वें प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला पूछा जा रहा है कि क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां थी, कितनी सैनिक छावनियां हुआ करती थी? 5, 6, 8 या फिर 3। तो 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी, नाम भी याद रखना है। तो एक है नसीराबाद कहाँ है? अजमेर। और ब्यावर अजमेर, एरिनपुरा छावनी कहाँ है? ये पाली में, देवली छावनी टोंक जिले में, खेरवाड़ा उदयपुर में
और खेरवाड़ा हो जाता है। उसके बाद बात करें अपन नीमच, नीमच ये कहाँ हो जाएगी, वर्तमान में ये एमपी में है। तो 6 सैनिक छावनियां हुआ करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या आ रहा है, 39वें नंबर का प्रश्न आ रहा है। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था, तो पहला संघर्ष कहाँ हो रहा है, नसीराबाद में हो रहा है। 28 मई 1857 को, इजी प्रश्न है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं देंगे। 40वां प्रश्न आया है, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कप्तान सावर्स, मेजर बर्टन, कप्तान जेडी हॉल और मोक मेसन या मेक मोसन। तो बर्टन, बर्टन ये कोटा के थे, कोटा के बर्टन है। जेडी हॉल ये कहाँ के थे सर, ये सिरोही के थे। मेक मोसन कहाँ के थे, तो ये मारवाड़ या जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कप्तान सावर्स, ये उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। आई होप समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट, 1857 में आउवा ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराव कौन था। 1857 में जब आउवा ठाकुर कौन थे, नाम ध्यान रखना, कुशाल सिंह चंपावत। आउवा के ठाकुर कौन थे, कुशाल सिंह चंपावत। तो इस समय जोधपुर का शासक कौन था, तो ऑप्शन है मान सिंह, जसवंत सिंह, तख्त सिंह और भीम सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा तख्त सिंह। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था, कोटा का शासक। तो एक है राम सिंह पस्त, एक ऑप्शन है राम सिंह सेकंड, माधु सिंह पस्त और उमेद सिंह पस्त। तो कोटा के शासक कौन थे, राम सिंह सेकंड, ये कोटा के शासक थे जिनको क्रांतिकारियों ने नजरबंद कर लिया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया, यह भी पहले आ गया था, ठाकुरे कुशाल सिंह चंपावत। आउवा के ठाकुर थे आउवा। और कौन से युद्ध में अंग्रेजी सेना और जोधपुर सेना को संयुक्त रूप से पराजित किया, तो युद्ध का नाम ध्यान रखोगे बीथोड़ा का युद्ध। बीथोड़ा का युद्ध कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, 44वां क्वेश्चन देखिए। 44वां क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। ऑप्शन देख लीजिए आप, पहला ऑप्शन जेडी होल आता है, दूसरा इडन आता है, तीसरा बर्टन आता है और चौथा मेक मोसन आता है। तो सिरोही का पूछा सर, सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट जेडी होल होगा। ईडन कहाँ का था, ईडन सर जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। बर्टन कहाँ का था, कोटा का। और मेक मोसन है, ये मेक मोसन कहाँ के थे, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। नेक्स्ट 4500 प्रश्न पर चलते हैं। 4500 प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे। उदयपुर का शासक पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, जसवंत सिंह, स्वरूप सिंह, उदय सिंह और रतन सिंह। तो क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन होगा, महाराणा स्वरूप सिंह। और स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया था। उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह जी, उदयपुर का महाराणा स्वरूप सिंह अंग्रेजों का साथ दे रहे। नेक्स्ट, अगला है, 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजन का गठन किया गया। जोधपुर लीजन, एक तो आप ये ध्यान रखना, जोधपुर लीजन का गठन कब किया गया, तो 1835 में किया गया। और इसका मुख्यालय, इसका केंद्र केंद्र कहाँ था, केंद्र कहाँ था या कहाँ रखा गया है ना। तो जोधपुर लीजन का मुख्यालय एरिनपुरा,
एरिनपुरा को जोधपुर लीजियन जो सैनिक टुकड़ी था उसका मुख्यालय रखा जाता है। 46वां प्रश्न है, 46वां तो हो गया, 47वां, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 को विद्रोह का नेता था? ऑप्शन देख लीजिए, मेहराब खां, नवी शेर खां, कुशल सिंह और नंदलाल। कहां के क्रांतिकारी पूछे थे? कोटा। तो कोटा में विद्रोह का नेतृत्व तो किसने किया था? मेहराब खां और जयदयाल। मेहराब खां और जयदयाल ये कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है देवली, नीमच, जैसलमेर और कोटा। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? देवली भी था, नीमच भी था, कोटा भी था, बट सर जैसलमेर हमारा आंसर हो जाएगा। जैसलमेर ये क्रांति का केंद्र नहीं रहा था, जैसलमेर में ऐसा कोई सभी विद्रोह नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह के समय कोटा प्रांत का राजनीतिक एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन होगा? तो मेजर बल्टन है, ठीक है। और आज का अंतिम जो प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? धौलपुर का शासक कौन था? कीरत सिंह, उदय भान सिंह या भगवंत सिंह या फिर राम सिंह? तो देखिए क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? क्या आंसर आपके यहाँ पर आएगा? क्रांति के समय धौलपुर का शासक पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भगवंत सिंह, पहले भी आपको बता दिया था, ठीक। तो ये हुए आज के 50 प्रश्न है। अब मिलेंगे अपन अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।